श्रीमती बबीता जी लिखती हैं, जो कि एक एक्सपर्ट है, काउंसलर है हेल्थ की बाबत, लिखती हैं, मेरे एक परिचित केशव ने अपने लिए गोल सेट किया कि 3 महीने के भीतर मुझे 15 kg वजन कम करना है, क्योंकि उसका वजन बढ़ता जा रहा था। और जो ही उसने गोल सेट किया, तुरंत ही काम करना भी शुरू कर दिया, डाइट फूड करना, वॉकिंग करना, स्विमिंग करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, पूरी डिसिप्लिन के साथ, पूरे नियम के साथ। नतीजा ये रहा कि 3 महीने के अंदर उनका 17 kg वजन कम हो गया। और संयोग से एक गेट टुगेदर में श्रीमती बबीता जी लिखती हैं कि मेरा उनसे मिलना हुआ और मैं केशव को देखकर दंग रह गई। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी फुर्ती, उसका उत्साह, भाग भाग कर काम कर रहा था, क्योंकि इसके पहले जब मैं उससे मिली थी तो उसे देखकर मुझे ऐसा एहसास होता था जैसे ये अपने शरीर को ढोता हुआ आगे सरक रहा है, घसीटता हुआ आगे सरक रहा है। और आज इतना बड़ा परिवर्तन देखकर अच्छा भी बहुत लगा, और साथ ही साथ ये भाव भी भीतर आया कि यदि कोई व्यक्ति कुछ करने का ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। आगे लिखती बबीता जी कि इसके बाद एक लंबे समय तक केशव का मेरे पास कोई समाचार नहीं था। एक दिन की बात, मैं बाजार में सब्जी खरीद रही थी, किसी ने मुझे आवाज दी, गर्दन उठा के देखी तो सामने केशव खड़ा था। आज फिर मैं उसे देखकर दंग रह गई। वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे पहले देखा, यदि मैंने उसे पहले देखा होता तो शायद मैं उसे पहचान नहीं पाती। थुल थुल शरीर, पेट आगे निकला हुआ, फूले हुए गाल, वैसे ही शरीर को घसीटता हुआ सहारा था। मैं सोच में पड़ गई, इसे हुआ क्या? 4-5 महीने पहले जब मैं मिली थी, दुबला पतला, स्लिम ट्रिम, फुर्ती से भरा हुआ, और आज ये अवस्था। उससे जब बातचीत की तब सार ये निकला कि जब उसने गोल सेट किया था कि 3 महीने के भीतर मुझे 15 kg वजन कम करना है, उस वक्त पूरी शिद्दत के साथ जुट गया, और जो ही टारगेट हासिल कर लिया, 17 kg वजन कम कर लिया, ढील छोड़ दी। सबसे पहले जंक फूड, डाइट फूड छोड़ा, जंक फूड खाना शुरू किया, फिर एक्सरसाइज छोड़ी, वॉक छोड़ी, जिम छोड़ी, या कुछ नहीं करता है। नतीजा पिछले 4-4.5 महीनों में उसने जो पहली बार 17 kg वजन कम किया था, इन पिछले 4.5 महीनों में उसने 22 kg वजन गेन कर लिया। लिखती है श्रीमती बबीता कि जब मैं केशव से मिलकर वापस अपने घर लौट रही थी, मेरे जेहन में केशव ही घूम रहा था, कहाँ दुबला पतला, कहाँ हेल्दी। और मुझे ये भाव भीतर आ रहा था कि क्यों हम अच्छी आदतों पर टिके नहीं रह पाते। आगे लिखती है श्रीमती बबीता, जो कि एक्सपर्ट है, कि हम में से सारे लोग वॉकिंग के फायदे जानते हैं, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स जानते हैं, सुबह जल्दी उठने के फायदे जानते हैं, सात्विक भोजन करने के फायदे जानते हैं, और जब किसी के मुख से सुनते हैं ये चीज़ अच्छी, कोई कर रहा है फॉलो, उसके मुंह से सुनते हैं तो मोटिवेट भी होते हैं कि कल से हम भी करेंगे और करना शुरू कर देते हैं। हमारे नए साल का रिजोल्यूशन भी सबसे पहले नंबर पर क्या होता है, कल से एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, एट्सेट्रा, लंबी लिस्ट बनाते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पूरी फुर्ती के साथ करते हैं, और धीरे धीरे छोड़ देते हैं, और वापस वो चीज पकड़ में नहीं आती। लिखती है बबीता जी कि क्यों अच्छी आदतें हम कंटिन्यू नहीं रख पाते, क्यों सफलताओं को मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे केशव ने अपना टारगेट अचीव किया, सफलता पाई, पर उसे मेंटेन नहीं कर पाया,
नहीं रख पाया।